न्यू सक्से ट्रैक में आपका स्वागत है बिहारोगा बाईस सौ पोस्ट के लिए जो भी एग्जाम होने वाले हैं जुलाई में उसकी तैयारी के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था जो कि पांच टेस्ट सीरीज को मैंने पहले ही डाल चुका हूँ टूब पर यह छठा टेस्ट सीरीज है तो आप लोग ध्यान से इसको बनाइए और अपनी तैयारी को रखिए ताकि जो भी आने वाला एग्जाम है उसमें आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें तो आपका ज़्यादा समय ना लूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष से मिलता है। आप लोग ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए तो हल से जोते गए खेत का साक्ष कहां से मिलता है तो काली वंगा से वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है तो बदरायन हड़प्पावासी लाजवर्द अब लाजवर्द का हिंदी होता है भवन निर्माण की सामग्री कायात कहां से करते थे तो हड़प्पावासी जो भी भवन निर्माण की सामग्री को मंगाने का काम करते थे वो कहां से मंगाते थे हिंदू कुछ क्षेत्र के बंद खासे काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया तो काशी और लिच्छवी का जो विलय किया था मगध संग्राज्य मगध साम्राज में किसने किया था अजातशत्रु और अंग का विलय बिम्बिसार ने किया था, था। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में तो कुरल कौन सा भाषा में है तमिल में बताना नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे तो कौन थे तो हर्षवर्धन त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी तो वत्सराज ने त्रिपक्षीय तीन लोगों के बीच में संघर्ष हुआ था एक धर्मपाल था एक ध्रुव था एक नागभट द्वितीय था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत जारत का चरम उत्कर्ष हुआ था तुगलक विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहां पाए जाते हैं विजयनगर के जो महान साम्राज्य के अवशेष है जो हम्पी में पाए जाते हैं हम्पी कौन सी नदी के किनारे है तुगभ्रा तो नदी के किनारे मुगल काल की राजभाषा क्या थी मुगल काल की राजभाषा फारसी थी कौन सी थी फारसी पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था शेरशाह द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे दो महत्वपूर्ण युद्ध है जैसे चौसा का युद्ध पंद्रह में लड़ा गया था हिमायु के विरुद्ध जिसमें शेरशाह विजय हुए थे और एक पंद्रह सौ चालीस जिसे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं जिसमें शेरशाह को जीत मिली थी अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल कौन था तो अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था शिवाजी मुगलों की कैद से भागते के समय कौन से नगर में कैद थे शिवाजी मुगल की कैद से जब भागे थे उससे पहले वो कौन से नगर में कैद थे तो वह आगरा में थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी न्यून में से कौन था तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन सा गवर्नर आया था तो हेस्टिंग आया था वारेन हेस्टिंग प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था जिसे प्रशासनिक कुव्यवस्था भी कर सकते हैं अठारह में इन्होंने अवध को मिलाया था भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था तो अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का संदेह ही तत्कालीन कारण था बंगाल विभाजन के विरुद्ध का विद्रोह नेतृत्व किसने किया था तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था सुरेंद्र बनर्जी किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना बंदे मातरम तो बंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था तो यह बना था स्वदेशी आंदोलन का जो कि उन्नीस में हुआ था स्वदेशी आंदोलन किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी तो राम प्रसाद बिस्मिल को कौन सा जेल में फांसी दिया गया था तो या गोरखपुर में दिया गया था गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था तो गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था जो कि उन्नीस अप्रैल उन्नीस उन्नीस में आया था जिसे रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था गांधी जी ने गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कौन सा राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कौन सा राज्य में है यह गोवा में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय किससे आता है विनिर्माण क्षेत्र से राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता तो अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता भूतलिंगम समिति संबंधित है किससे तो भूतलिंगम जो समिति है किससे संबंधित है तो वैट से किसे? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल में अंतर को क्या कहते हैं व्यापार कहते हैं व्यापार से एक वंशागुनत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है किसको तो या खून को प्रभावित करती है आंखों की दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है तो आंखों की दूर दृष्टि बीमारी होती है किसके कारण होती है तो नेत्रक गोलक के छोटा होने से यह बीमारी होती है इसको सुधारने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। का मूल सिद्धांत है तो लयमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या था उपार्जित लक्षणों का वंशागणती हरित गृह ग्री गैस जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं कहलाने आने वाली गैस कौन कौन सी है ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है सी एफ सी क्लोरो टू कार्बन डाइऑक्साइड सी एच फोर मिथेन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब क्या है ग्रीन हाउस गैसेज है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है तो सबसे बड़ा यौगिकीकरण है कौन हरे पादप से ही सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है तो मोनोहाइब्रिड जो अनुपात होता है तीन रेशियो एक होता है कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है तो कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है गौसीपियम पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है एनएस टू सीओ एन एस टू ओ समया वे भी औौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं किसमें भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो भौतिक गुणों में सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजन अभिक्रमक क्या है तो सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले जो विरंजक है वो क्लोरीन है मुलायम कोयला के किस नाम से जाना जाता है मुलायम कोयला किसको कौन सा कोयला को मुलायम कोयला कहते हैं तो बिटुमिनस कोयला को सबसे ज़्यादा अच्छा कोयला कौन फिन बी -टू -मिनस है इंथ्रासाइट फिर बिटुमिनस है लिंगनाइट है फिर पीठ है सबसे खराब कोयला कौन सा है पीठ है सबसे अच्छा कोयला कौन सा है है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है तो तामा है जो मिश्र धातु नहीं है पलांग नियतांक का मान कितना होता है तो पलांक नियतांक का मान होता है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था किस चीज के लिए सम्मानित किया गया था तो इसने खोज किया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है तो यह कितना बनाएगा अठारह डिग्री का चालक का लक्षण क्या है लक्षण क्या है पा, उच्च पारगम्यता इंद्रधनुष किस कारण से बनता? तो इंद्रधनुष जो है अपवर्तन और परावर्तन के ही कारण बनता प्राध्वनिक विमान खाली स्थान नाम एक प्राघातिक तरंग पैदा करता है कौन सा तरंग पैदा करता है प्राध्वनिक विमान स्पाइस जेट भी कहते हैं यह कौन सा धोनी पैदा करता है प्रासरप तरंग कौन सा तरंग पैदा करता है तो प्रासरव तरंग वाष्प की गुप्त चष्मा कितनी होती है यह होती है पाँच कैलोरी पर ग्राम अगर कहे बर्फ़ की गुप्त चशा तो चालीस नहीं सॉरी बर्फ़ की गुप्त चष्मा कहे तो अस्सी कैलोरी पर ग्राम बासफ़ की गुप्त च्मा कहे तो पाँच सौ छत्तीस कैलोरी पर ग्राम न्यूटन मीटर किसका मात्रक है तो न्यूटन मीटर किसका मात्रक है शक्ति का त्वरण का क्या है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल का न्यूटन है ऊर्जा का कैलोरी है। दो की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता कितना है? तो परसेंट है तो वह कितना परसेंट है तिहत्तर परसेंट पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पंजाब का उस स्थान का नाम बताना जो हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो यह है लुधियाना बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है तो यह कहाँ है पश्चिम बंगाल में मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? यह बनाए गए बराकर नदी पर बिरहद हिमालय और लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होता है तो बिरहद हिमालय लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होता है तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा और लघु हिमालय और शिवालिक किसके द्वारा तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा जो दर्रा किस राज्य में है तो तुजू दर्रा मणिपुर में कुमायूं हिमालय का विस्तार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है तो कुमायू हिमालय का विस्तार क्षेत्र जो है सतलज और काली नदी के बीच है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित कौन कौन सा देश है तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित कौन कौन सा है भारत भी है पाकिस्तान भी है भूटान इसमें आंसर होगा सभी साइप्रस की राजधानी निकोशिया बॉक्साइट उत्पादक में प्रथम स्थान किस देश का है तो बॉक्साइट उत्पादक में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का इनमें से कौन एक ठंडी जलधारा का उदाहरण है तो ठंडी जलधारा का उदाहरण कौन सा है तो पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा सुषीमा फ्लोरिडा और जो है गर्म जलधारा पलेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह हैरी हैस था सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तो आप लोग को मालूम ही होगा कि भूमध रेखा जीरो डिग्री को कहते हैं कर्क रेखा साढ़े तेईस डिग्री उत्तर को कहते हैं मकर रेखा साढ़े तेईस डिग्री दक्षिण को कहते हैं आर्कटिक रेखा साढ़े छियासठ डिग्री उत्तर को कहते हैं और अंटार्कटिक वृत्त किस कहते हैं तो साढ़े छियासठ डिग्री दक्षिण को तो आप लोग ऑप्शन में मिला लीजिएगा भूकंप में धरातलीय तरंग होती है कौन सी तरंग है जो धरातरीय तरंग के नाम से भी जाना जाता है तो प्राथमिक तरंग निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है तो किसकी होती है तो वाल्केनियन तुल के बराबर बोलेविया के पठार में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है तो बोलेविया के पठार में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है तो टीन का टीन में प्रथम राज्य कौन सा है तो छत्तीसगढ़ बायोमा जलप्रपात किस नदी पर है तो बायोमा जलप्रपात जो है जायरे नदी पर है अफ्रका महाद्वीप का, का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है तो अफ्रीका महाद्वीप का, का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट क्लीमजारो माउंट देखिए एक ऑप्शन है माउंट बिंसन माफी जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर शिकर बीस में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी तो बीस में प्रथम रेलगाड़ी अठारह सौ पच्चीस में चली थी चार सौ पचास रुपये को ए बी और सी में बांटना है और रेशियो दे रखा है ए रेशियो बी और बी रेशियो सी तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा इसको रेशियो का अति क्वेश्चन है इसका आंसर बता देता हूँ कितना है एक सौ पचास सिक्सटी सेवन ई मैथ है तीन व्यक्तियों को चौदह सौ चौदह हजार चार सौ रुपया बांटना है अस्सी परसेंट पचासी परसेंट और पचहत्तर परसेंट जब खर्च कर देता है और बचत है जो अनुपात में दिया हुआ अगर नए बने तो इसको कमेंट में कर दीजिएगा तो इसका आंसर होगा चौसठ हजार पच्चीस सौ रुपये को दस परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष मिस्र धन क्या होगा निकाल लीजिए आराम से इसका आंसर होगा तीस पच्चीस नाइन का आंसर मैं बता देता हूँ वन वी फाइव इसका यूनिट इकाई निकालना कितना होगा तो सिक्स होगा कौन सा संगठन है जो ग्रीन प्रोपल तकनीक विकसित कर रहा है यह कौन कर रहा है इस इसरो कर रहा है इसरो को अभी कौन अध्यक्ष है के सी वन है इसरो का फुल फॉर्म इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी डी की स्थापना उन्नीस में हुई थी नासा अमेरिका का एक अनुसंधान केंद्र है असम के किस शहर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा तो किस जगह किया जाएगा तो सिलचर सिल्चर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा कहाँ तो सिलचर में किस राज्य ने पांच साल के लिए अपनी नई सौर ऊर्जा नीति दो हजार इक्कीस की घोषणा की शांतनु महापात्र जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्रीय संगीत के संगीत निर्देशक थे या उड़ीसा के थे शांतनु महापात्र कहाँ के थे तो उड़ीसा के पंडित सतीश व्यास जिन्हें तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है किस वाधक को बजाने के लिए सुप्रतिष्ठित थे संतूर थे खाली क्वेश्चन याद रखना है कि 2020 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है तमसेन सम्मान किसे दिया गया है तो पंडित सतीश व्यास को किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया तो एम पी सेवेंटी सेवन क्वेश्चन है कि थौवल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जिसे थौवल डैम भी कहते हैं का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया थौवल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट किस शहर में उद्घाटन किया गया तो इम्फाल में पोम्पेई जो हाल ही में खबरों में किस देश का प्राचीन शहर है की सीमा पर तुजुको घाटी के जंगलों में भीषण आग लगी है मणिपुर और नागालैंड के किस देश ने अप्रैल 2022 से सेहत के लिए हानिकारक भोजन के प्रचार को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है यह यूनाइटेड किंगडम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण आईओ एस सी ओ का सहयोगी सदस्य बना आई ओ एस सी ओ का मुख्यालय कहाख्यालय कहाँ है तो मेड्रिड में डीआरडीओ ने एक जनवरी दो हजार इक्कीस को अपना तिरसठवा स्थापना दिवस मनाया डी आर डी ओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी हुई थी उन्नीस सौ अंठावन में किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है तो राजस्थान ने फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको ए एफ ए ओ भी कहते हैं किस देश में स्थित चार चाय उत्पादक स्थलों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी है चीन भी दक्षिण कोरिया भी जापान भी तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी कुंभम पनीर थ्रैची किस फसल की एक किस्म एक अंगूर की फसल की किस्म पनीर कु भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट संख्या किसको दी गई थी दी गई थी गवर्नर जनरल को संविधान सभा में देशी रियासतों के कि कितने प्रतिनिधि थे तो संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे सत्तर थे कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया उन्नीस सौ में भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण इस क्वेश्चन को छोटा करके दिखा देता हूं तो इसका आंसर होगा वन टू थ्री नॉर्थ ईस्ट का पहला विशेषीकृत जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में स्थित है नॉर्थ ईस्ट का पहला विशेषीकृत जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में स्थित है तो मेघालय में संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष बंधों के प्रावधान हैं तो भाग है इक्कीस में भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया तो भारतीय संविधान में संघवाद जो लिया गया है यह कनाडा से लिया गया चौहतरवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई तो चौहारवें संविधान संशोधन उन्नीस तिरानवे चौरानवे में हुआ था जो कि इसके तहत बारहवीं अनुसूची को जोड़ी गई थी जो नगर नगर पालिका से संबंधित थे वर्तमान में कुल कितने अनुसूचियां हैं तो वर्तमान में कुल बारह अनुसूची हैं मौलिक कर्तव्यों की चर्चा कौन सी अनुच्छेद में तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा कौन सी है तो आर्टिकल फिफ्टी वन के में किसी क्षेत्र का अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे किसको है तो राष्ट्रपति को संघ सूची का विषय कौन है इनमें से चार ऑप्शन देखना संघ सूची का विषय बताना तो संघ सूची का विषय कौन है तो सीमा कर राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस पांच अप्रैल को मनाया जाता मोक्टर वो इन्हें किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो यह मालिक है किस राज्य ने म्यूकर माइकोसिस नामक डिजीज को महामारी घोषित किया सबसे पहला राज्य नाम बताना जो म्यूकर माइकोसिस नामक डिजीज को महामारी घोषित कर दिया तो यह राजस्थान है तो आज सेट समाप्त हुआ आज का सेट समाप्त हो गया है तो आप लोग अपना नंबर कमेंट में दे दीजिएगा धन्यवाद